गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आप लोग को इसके पहले एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया था। मैं आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें पाई का मान 3.14 और रूट 3 का मान 1.73 लेने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसके लिए हम एक चित्र को प्रयोग करते हैं, चित्र छापते हैं। मान लो एक वृत्त है, वृत्त की एक केंद्र O हो गया और इस वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितना डिग्री? 120 डिग्री। तो और इस वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो इस स्थिति में इस वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस जीवा तथा वृत्त के इस संगत चाप के द्वारा घेरे गए इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हम अभी तक दो प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़े हैं, एक समबाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज। लेकिन यहाँ पर हम ना ही समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करेंगे और ना ही समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान ना तो 60 डिग्री दिया हुआ है और ना ही 90 डिग्री। तो यदि थीटा का मान ना ही 60 डिग्री दिया रहे और ना ही 90 डिग्री दिया रहे तो उस स्थिति में यह त्रिभुज ना ही समबाहु त्रिभुज होगी और ना ही समकोण त्रिभुज होगी। तो इस स्थिति में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक नया फॉर्मूला है उसका प्रयोग करेंगे। तो उस फॉर्मूला वह फॉर्मूला है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। इस फॉर्मूला का प्रयोग हम तब करेंगे जब थीटा का मान ना ही 60 डिग्री दिया रहे और ना ही 90 डिग्री दिया रहे। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है वृत्त की त्रिज्या, आर बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 120 डिग्री। वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना? 120 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो प्रश्नानुसार से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा
बटा 360 डिग्री माइनस यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान ना ही 60 डिग्री दिया है और ना ही 90 डिग्री दिया है, इसलिए इस स्थिति में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। अब देखते हैं यहाँ भी आर स्क्वायर है और यहाँ भी आर स्क्वायर, मतलब दोनों में आर स्क्वायर क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए इसको हम बाहर करके लिख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, पाई इंटू थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा टू इंटू कोस थीटा बाई टू। अब सबका मान बैठाते हैं, आर सिर दिया कितना दिया हुआ है 12, ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, पाई कितना बोला लेने 3.14, थीटा कितना दिया है 120 डिग्री बटा 360 माइनस साइन थीटा बाई टू, थीटा का मान कितना है 120 दिया हुआ है, अगर हम 120 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे क्या, साइन 60 डिग्री। इसी प्रकार से हमारी हो जाएगा कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब चलिए सबका मान बैठाते हैं, साइन 60 का और कोस 60 का, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 144 3.14 इंटू 120 बटा 360 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है 3/2 और कोस 60 का 1/2। अब यहाँ पर देखते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 12 को 36 से काट 36 में काटने के लिए 12 दिया 36। अब यहाँ क्या हो गया, इसको देखते हैं ये 144 हो जाएगा, ये 3.14 इसको इसी तरह रहने दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 है नीचे में, तो 3.14 इंटू बटा 3 माइनस √3 इंटू 1 इज इक्वल टू √3 होता है, और √3 का मान कितना दिया हुआ है 1.73 और 2 × 2 बराबर 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम भिन्न का घटाव करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे और यदि एलसीएम नहीं आता तो उसको गुना कर देते हैं, तो चलिए गुना करने के बाद कितना है ये 12। अब इस 12 को हम 3 से भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 को इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 12.56 माइनस, फिर 12 को भागा देंगे 4 से तो 3 बार में कटेगा, और 3 को जब हम इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 5.19। अब चलिए 12.56 में से 5.19 को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 144, इसको घटाएंगे जब ये आ जाएगा 7.37/12, और इस 12 को जब हम काटेंगे 144 से तो 12 बार कटेगा, तो यहाँ क्या बच गया 12×7.37, और जब हम इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ए आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से अभ्यास करें और अपने से खुद बनाने का प्रयास करें। आज इतना ही, कल फिर आप लोग को आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू।